बच्चों, तो आज हम करने वाले एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो यहां पे आपके सामने यार दो प्लेन छपे हुए हैं, इनकी इक्वेशन में लिख रहा हूं। इसकी इक्वेशन मान रहा हूं आर वेक्टर डॉट एन वन वैक्टर इज इक्वल टू डी वन, और इसकी इक्वेशन मान रहा हूं आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू, और इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं, दोनों प्लेन के बीच एंगल निकालना चाहता हूं जो क्या है थीटा, ये निकालना चाहता हूं। तो एक एक चीज को आप यहां पे ध्यान से समझेंगे, मैं कैसे एंगल निकालूंगा इन दोनों के बीच। तो देखो यार, इस प्लेन का कोई नॉर्मल वेक्टर है जिसका नाम क्या है n1 वेक्टर, तो ये आपका क्या हो गया n1 वेक्टर हो गया सीधी सी बात। और इस प्लेन पे भी कोई नॉर्मल वेक्टर होगा जिसका नाम क्या है n2 वेक्टर, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया n2 वेक्टर हो गया। और ज्योमेट्रिकली ये एंगल और ये एंगल होंगे इक्वल, ध्यान देना ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे दोनों इक्वल। अगर मैं यहां पे थीटा का जुगाड़ कर दूं तो दो प्लेन के बीच एंगल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, ये थीटा वो थीटा, थीटा का जुगाड़ करते ही दो प्लेन के बीच क्या आ जाएगा एंगल। तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालना मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, दो प्लेन के बीच एंगल निकालना मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल निकाल दो, क्योंकि ये भी थीटा वो भी थीटा, तो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल निकाल दो, मतलब दो वेक्टर के बीच एंगल आपको पता ही है, अगर आपके पास n1 वेक्टर है और n2 वेक्टर है तो उनके बीच एंगल निकालना आपको आता है क्या, cos theta is equal to n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस सारे पे भी क्या लगा देना मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि थीटा एक्यूट की बात करेगा तो यहां पे ऊपर नेगेटिव आ जाए कुछ तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका किसका, दो प्लेन्स के बीच एंगल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सारे पे मैग्नीट्यूड लगा दो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, यस। और जब कार्टेशियन फॉर्म हो प्लेन्स की, प्लेन्स की किसकी इक्वेशन में क्या हो कार्टेशियन फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसे मिलेंगे, इसकी क्या होगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू d1, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या मिलेगी आपको इस तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू d2। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो मैंने हमेशा हमेशा वेक्टर फॉर्म से ही आपको क्या समझाइए कार्टेशियन फॉर्म। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना आपको, कब अप्लाई करना, जब आपके पास वेक्टर फॉर्म गिवन हो, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैं जुगाड़ करके दे रहा हूं आपको सीधे सीधे, देखो इससे मैं क्या निकाल दूंगा कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला निकाल दूंगा, देखिए कैसे भाई, मैं क्या करूंगा cos थीटा तो cos थीटा ही रहने दूंगा, n1 वेक्टर क्या होगा, देखो n1 वेक्टर यहां से अगर मैं फाइंड करूं तो आप ये कहोगे सर a1 b1 c1 n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, तो n1 वेक्टर बन जाएगा a1 i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, और ऐसे ही मैं n2 वेक्टर भी चाहूं यहां पे n2 वेक्टर चाहूं तो आप यहां से निकाल सकते हो, आप कहोगे सर a2 b2 c2 यहां पे n2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, तो n2 वेक्टर क्या होगा a2 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप, और भाई ये लाके यहां पे रख दो और फटाफट कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या निकाल लो अपना फॉर्मूला। तो मैं देखो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर करूं तो आप क्या कहोगे सर a1 इंटू a2, यार डॉट प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से आती है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में अंडर रूट n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर प्लस c1 का स्केयर, n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट a2 का स्केयर प्लस में b2 का स्केयर प्लस में c2 का स्केयर, और इस पे भी क्या लगा दो मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऊपर देखो ऊपर कुछ नेगेटिव आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट तो ही है ये भी तो नेगेटिव आ सकता है, इसलिए क्या लगा दिया हमने मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, जब इक्वेशंस आपके पास किसमें हो कार्टेशियन फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशन किस में हो प्यारे बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लगाओ, आप यहां पे हर चीज को जानते हो, a1 को जानते हो, b1 को जानते हो, c1 को, ये रहे a2 b2 c2 को जानते हो, ये रहे अपॉन में वही a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर प्लस c1 का स्केयर, इन सब को जानते हो आप, ध्यान से देख लो, बस चीजें उठा उठा के यहां से यहां रखनी है
और एंगल थीटा निकाल देना, बिल्कुल आसान है। और ये फॉर्मूला कब लगाना आपको, जब आपके पास प्लेन्स की इक्वेशन किस में हो, वेक्टर फॉर्म में, एन वन वैक्टर को जानते हो, एन टू वैक्टर को जानते हो, बस एन वन वैक्टर और एन टू वैक्टर की तो जरूरत पड़ेगी। तो प्लेन के बीच एंगल मतलब उनके नॉर्मल वैक्टर के बीच एंगल, बहुत आसान, बहुत आसान। यस, अब एक चीज और ध्यान दो आप, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज, एक दो चीज और बता रहा हूं छोटी छोटी जो आ सकती है। वैसे तो एंगल में सब कुछ हाल है यार, सब कुछ हाल है, फिर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहां पे सारा कुछ जीरो बनना चाहिए, क्योंकि कोस थीटा जीरो मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे सारा कुछ जीरो कब बनेगा, जब आपका ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू आपका जीरो बनेगा, तो सारा कुछ जीरो बन जाएगा। और कोस थीटा जीरो मतलब थीटा 90 डिग्री। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो सीधे सीधे आप क्या कर देना, उनके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम। ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, इसके इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये है, तो इनके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लाई का सम जीरो आना चाहिए, जब आपके पास दो प्लेन क्या हो, परपेंडिकुलर। सपोज करो ये पाई वन प्लेन है और ये पाई टू प्लेन है, तो पाई वन प्लेन परपेंडिकुलर अगर पाई टू प्लेन के होगा तो आप क्या कहोगे कि भाई उनके नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, उनके मल्टीप्लाई का सम क्या कर देना है, जीरो कर देना है, ठीक है। और जब दो प्लेन पैरेलल हो, पाई वन प्लेन पैरेलल पाई टू प्लेन हो, तो क्या करोगे भाई, सिंपल यार, ये चीजें मैंने खूब पढ़ा दिया आपको, कोई नई चीज नहीं है। उनके नॉर्मल वेक्टर के, उनके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू प्यारे बच्चों सी वन अपॉन सी टू होना चाहिए। यार बहुत आसान आसान सी चीजें, बहुत आसान। ये चीज भी दिमाग में बसा लो, ये चीज भी दिमाग में बसा लो, कहीं ना कहीं काम आती रहती। और अगर ये नहीं पता चले तो भी आप एंगल निकाल देना ना यार, एंगल निकालना आता आपको, एंगल अपने आप पता चल जाएगा, थीटा 90 डिग्री आया है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, अपने आप पता चल जाएगा, क्लियर। बहुत आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लगाता हूं, उसके बाद और सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 22 ले लिया एनसीईआरटी का, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स दिस एंड दिस यूजिंग वेक्टर मेथड। प्लेन्स की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है और एंगल पूछ रहा है किस मेथड से, बता दो, वेक्टर मेथड से। तो वेक्टर मेथड से आपने फॉर्मूला क्या देखा था अभी, कोस थीटा एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर अपॉन में एन वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सारे पे भी मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां से n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का जुगाड़ कर पाया, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का जुगाड़ कर पाया, वो यहां लाके अप्लाई कर दूंगा, आपका एंगल फटाफट से आ जाएगा। तो यार मैं यहां पे ये कहूं, ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है, और इससे मैं आपको ये कहूं भाई n1 वेक्टर निकाल के दिखा दो, नॉर्मल वेक्टर है इसका, और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको पता चल जाए तो नॉर्मल वेक्टर निकाल दोगे। ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो क्या क्या है, 2, 1, -2, और इससे आप नॉर्मल वेक्टर इसका निकाल सकते हो, जो मैंने n1 वेक्टर मान रखा है, तो बताओ क्या होगा, 2i कैप + 1j कैप - 2k कैप। बिल्कुल आसान है यार, बहुत आसान, खूब किया ये काम। अच्छा, अब इसका नॉर्मल वेक्टर मैं n2 वेक्टर मान रहा हूं, और यहां पे n2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पक्का से क्या क्या होंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, तो यार लिख दो 3i कैप - 6j कैप - 2k कैप। मैंने जुगाड़ कर लिया n1 वेक्टर n2 वेक्टर का, अब यहां पे अप्लाई करते ही आपका एंगल आपके सामने होगा। यस, तो यहां पर देखो कोस थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर करो पहले, इनकी डॉट प्रोडक्ट, 2 की 3 से 6, 1 की -6 से -6, और यार -2 की -2 से +4, बहुत अच्छे से आपको पता है, अपॉन में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो फटाफट से, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + -2 का स्क्वायर 4, बहुत आसान है। n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, बिल्कुल अच्छे से बता पाओगे, 3 का स्क्वायर 9 + -6 का स्क्वायर 36, और यार +2 का स्क्वायर 4, बहुत आसान है, देखते जाओ और इसको
लगा दो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड, 6 से 6 उड़ा दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 4 अपॉन, यार ये देखो 9 बन रहा है और 9 का रूट होता है 3, लिख दो इनटू, ये देखो कितना बन रहा है 49, 49 का रूट होता है 7, लिख दो। और अब कॉस थीटा आप देख पा रहे होंगे कि 4/21 थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21, और ये ही इन दोनों प्लेन्स के बीच क्या है एंगल है, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/21 ही इन दोनों प्लेन्स के बीच क्या है एंगल। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो आपको जरूर पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।